वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है जबरदस्त ब्यूटी सेगमेंट और यहाँ पर कहते हैं ना, खूबसूरत परियां उतर चुकी हैं। और एज़ यूजुअल गुड मॉर्निंग विद सभी में स्पेशली मैं आप लोगों के लिए जो ब्यूटी सेगमेंट हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो आपका लर्निंग प्रोसीजर होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलता है। और वो खवातीन भी आती हैं जो स्किल्स रखती हैं, हम उनको एंटरप्रेन्योर्स वूमेंस भी कहते हैं, हार्ड वर्किंग वूमेंस भी कहते हैं, और वो भी हमें गा बगा कुछ ना कुछ सिखा रही होती हैं। तो लेट्स सी गुड मॉर्निंग विद सभी में इस वक्त आप जो वॉच करेंगे वो है ब्यूटी सेगमेंट। और यहाँ पर भी हमने कुछ ब्राइड्स यहाँ पर प्रेजेंट की हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी जब मैं गुफ्तगू ऑफकोर्स मैं आपसे इंट्रैक्शन करती हूँ अपने ब्यूटी सेगमेंट में, तो यहाँ पर सीनियर ब्यूटिशियंस भी होती हैं, वो गा बगा हमें अप इन एंड आउट जो डिफरेंट हमारा ब्यूटी से रेलिवेंट क्या फैशन चल रहा है, ब्राइडल मेकओवर के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, हेयर के बारे में, हेयर स्टाइल के बारे में, तो ये तमाम डिस्कशन होगी। तो देन अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पर मैं मिलवाऊंगी, शी इज़ अ ब्यूटिशियन और इंस्ट्रक्टर और ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत टाइम से अपने सैलून को रन कर रही हैं और बहुत सारी ब्यूटिशियंस को उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है और अब भी मुस्तकिल गा बगा सिखा ही रही हैं। तो यहाँ पर मौजूद है नायला नाज फ्रॉम अनस सैलून से। अस्सलाम वालेकुम नायला। जी वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, करीब हो तो शेखर, थैंक यू, करीब हो तो हाथ भी मिला लिया। तो माशाल्लाह कैसा चल रहा है अभी सैलून वगैरह? सैलून तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा दो मुहर्रम और सफर का महीना थोड़ा स्लो जा रहा है, वैसे तो काम तो रनिंग में है। क्लासेस वगैरह तो आप दे रहे हो? क्लासेस तो अल्लाह का शुक्र है चल रही है जी, बिल्कुल क्लासेस चल रही है। ये सभी वो मैंने आपका देखी थी वॉइस, बस मैं इस वक्त यहाँ थी और अब अच्छा बकायदा माशाल्लाह चाहे कई घंटों में आंसर जरूर दे देती हैं, ऑफ कोर्स क्लासेस लेती हैं, बिजी रहती हैं, तो ये तो जरा सा फिर चलता है। जी बिल्कुल ये तो चलता है। अच्छा, उनके बराबर में भी मेरी प्यारी सी बहन बैठी हुई है, वो भी आज मेरी फर्स्ट टाइम मेरे मॉर्निंग शो में आई है, अस्मा इजाज ग्लोरी ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और कितने टाइम से आप मतलब अपने सैलून को रन कर रहे हैं? इस जर्नी को मुझे 22 इयर्स हो चुके हैं। माशाल्लाह, यू आर वेरी सीनियर। यस ऑफ कोर्स, जबरदस्त, अच्छा लगेगा आपसे बहुत कुछ अभी सुनने को मौका मिलेगा। अच्छा, अब इस वक्त यहाँ पर जो है दो और ब्यूटिशियंस मौजूद हैं और वो जो है वो बिल्कुल रेडी हैं, उन्होंने क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम होता है तो काफ़ी हद तक हमें यहाँ पर काम प्रेजेंट कर, लेकिन वो ब्रीफ कर देंगी कि उन्होंने क्या क्या जो चेहरे पर बेस किया, कौन सा यूज़ किया, कौन सा ब्रांड है, वो सब बताएंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर मिलाऊंगी आरशी जो है बेबी डॉल से हैं। अस्सलाम वालेकुम आरशी, कैसे हो? खुद ही बन जाती मॉडल माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी। ये बताएं आरशी, कितने टाइम से आप माशाल्लाह ब्यूटी सैलून को रन कर रहे हो? 10 साल हो रहे हैं। रियली? जी दैट्स अ ग्रेट। तो ये अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ कीजिएगा, आपके जो ब्राइड बनाई है। मैंने ये इस लगाई है, मैंने मोराल पे काम किया है, मोराल पे बेस लगाया है। गुड, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये आप चेहरे के ऊपर हाथ रख के बात करते रहे, ऑफ कोर्स छोड़ दे वो छोड़ दे, प्रोडक्ट नहीं बस आपने लगाया है ना। यस, रेड कलर बारात का मेकओवर है और जरा थोड़ा बताइए कि ग्रीन कलर अभी आप आई मेकअप करोगे? थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है मुझे, अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है जी, ओके। अभी इन्होंने काफी अभी ये इनकम्प्लीट है बहुत सारी अभी इसमें। चले आशी आप स्टार्ट कर लें। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में है, उनसे मिलवाती हूँ। सनिया है, सनिया जो है उनका है ब्यूटी आर्ट के नाम से सैलून। सनिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम से सनिया काम कर रहे हो? मुझे 4 ईयर हुए हैं अभी स्टार्ट करके, माशाल्लाह से जो है मैं अपना रन कर रही हूँ और पॉलर। मुझे आपको देख के आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। और अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे। और देखिए इंसान की कोई अगर वो स्पेशल है, तो मैंने अभी देखा इनको थोड़ा चलने में एक इनका लेग प्रॉब्लम है, लेकिन इन्होंने इसको हिडन अपनी मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की कि मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर सकती। तो मैं ऐसी बच्चियों को ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और मैं मुझे बहुत अच्छा लगा आपने अपने काम को फोकस किया और अपनी जो अल्लाह की तरफ से एक तकलीफ है उसको सामने नहीं लाया और उस में भी अपने आप को परफेक्ट बना के देखा। दैट्स अ गुड, दैट्स अ स्ट्रांग, गुड, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा मुझे बताएं आपने अपनी इस बच्ची के जो मॉडल के ऊपर जो मेकअप, अच्छा मैंने इनके बेस जो है मोराल की ही बनाई है और उसके बाद जो है मैंने हाइलाइट्स वगैरह किए आईज मेकअप पे थोड़ा सा,
तो ये मैंने आई शेड किट जो है शिफर की यूज़ की है ओके और मॉर्फी यूज टच किया था ओके और उसके बाद जो है आप हाईलाइटर करके इनके कंट्रोल अच्छा ये बेसिकली एंगेजमेंट है या वलीमे की किसको ड्रेस तो बड़ा कॉफी सा कलर बड़ा प्यारा लग रहा है ग्रे कलर बहुत प्यारा लग रहा है ये आप इसको एंगेजमेंट लुक दे कह सकते हैं ओके ठीक है आप ऑन करें सनिया फिर हम लोग अपने जरा सीनियर ब्यूटिशियन से भी बात करें नाइला बहुत अच्छा लग रहा है ये बच्चियां जो हैं काम कर रही हैं और आज मुझे बताया आज ट्रेंड क्या चल रहा है साबी मेरे ख्याल से तो ट्रेंड जो अभी चल रहा है ना बिल्कुल सिंपल लुक पे जा रहा है ठीक है और ज्यादातर मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आ रही है ना नो मेकअप लुक की आ रही है लाइट सॉफ्ट मेकअप की आ रही है फील ना हो के भाई बिल्कुल ज्यादा हाईलाइट ना हो मेकअप इस तरह का हो और ये ज्यादा ग्लिटर शिमर विमर ये बहुत सॉफ्ट लाइट पे जा रहा है और ज़्यादातर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वन शेडेड में हमें वर्क करके दीजिए तो वन शेडेड पे काम करके दे रही हूँ और लेकिन ट्रेंड अभी भी ऐसा है लोगों का कि बेस को ज़्यादा नहीं अवेयरनेस है लोगों के अंदर बेस वाइट मांगते हैं वाइट बेस चाहिए या वाइट बेस चाहिए और मेरे हिसाब से ना क्या लगेगा लेकिन ना क्लाइंट तो हमसे कहते हैं कि हमें वाइट बेस चाहिए लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमें उनको ब्रीफ करना है क्लाइंट को कि किस तरह का आपके कॉम्प्लेक्शन पे सूट करेगा बेस तो मैं ज़्यादातर नेचुरल पे जाती हूँ बेस पे मैं ज़्यादा वाइट पे भी नहीं जाती हूँ ना येलो का तो ट्रेंड है ही नहीं है लेकिन कुछ सलोन में येलो का चल रहा है ट्रेंड लेकिन मैं ज़्यादातर नेचुरल पे जाती हूँ मैं वन शेडेड से काम करती हूँ वन फाउंडेशन से अभी मैंने इन लोगों के भी काम जो देखा है माशाल्लाह से ये लोग जब से आई हुई थी क्विक होके लगी हुई हैं काम कर रही हैं अपने हिसाब से मेहनत कर रही हैं लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये जो हमारे सामने जो खड़ी हुई है सानिया ये आर्ट्स का इनको वर्क बहुत अच्छा आ जाएगा अच्छा बहुत आर्टिस्ट बहुत इनको फिर एक्सक्लूसिव किसी दिन शो करवा देंगे हाँ बहुत अच्छा और ये अपने फेस पे बहुत अच्छा वर्क कर लेती हैं हाँ फेस पे बहुत ज़बरदस्त वर्क करती हैं कि ये समझ में नहीं आता टिश्यू पेपर से करती हैं वर्क अपने फेस पे बहुत अच्छा काम करती हैं कुछ आर्टिस्टिकली आती कुछ और हमें असल में ना हमारे सलोन में जो ये वर्किंग जो है ना ये आर्ट्स की नहीं चलती है लेकिन ये एक हुनर होता है नहीं हमारे हुनर होता है हुनर है बिल्कुल करते हैं हाँ उनको अगर मीडिया में जो है आपको हाँ, जो हॉरर ड्रामा हम लोग के इवेंट्स में वॉक पे जब हम लोग जाते हैं तो हमें ज्यादातर ये आर्ट्स का ही वर्क हमें हाईलाइट किया जाता है बाकी ये है कि ब्राइट जो है बस ब्राइट का मैं ये कहूंगी कि बहुत डिसेंट सा लाइट सा सॉफ्ट सा चल रहा है अच्छा, उनकी ज्वेलरी भी बहुत लाइट चल रही है और ड्रेस भी इनका बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है हैवी नहीं चल रहा है ज्यादा ओके। बस बहुत अच्छे उस पे जा रही है म्यार अच्छा जा रहा है अच्छा मैं बहुत अच्छा जा रहा है जब एक ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हम लोग अपने सलोन में स्पेंड करते हैं तो बहुत सारी चीजें इन एंड आउट और पहले क्या था फिर अब ट्रेंड चेंज हुआ फिर उसके बाद अच्छा असमा ये बताएं कि अगर बेस लगाई जाती है अक्सर तो उसके बाद हम कहते हैं कि यार ये लॉन्ग लास्टिंग हो लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग अच्छा, होने की हमें क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए क्योंकि गर्मियों में डिफरेंट होता है और सर्दियों में डिफरेंट दोनों का बताएं मुझे एक्चुअली देखें दोनों वेदर अलग हैं और उसके हिसाब से हमें स्किन टाइप भी देखनी पड़ती है सेकेंड थिंग ये कि आपको क्या प्रोडक्ट लगानी है ओके ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मौसम में जो स्वेटिंग होती है उसमें कभी भी आप फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन यूज नहीं अच्छा ये भी होता है स्टिक बेस में स्टिक भी होती है और लिक्विड फाउंडेशन जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं वो बेसिकली आपके समर के लिए ठीक है नहीं है वो विंटर के लिए है okay. और जितने भी स्टिक्स बेस हैं वो आप यूज कर सकते हैं इसके साथ साथ आजकल तो कॉम्पैक्ट बिल्कुल आउट ऑफ वे हो चुका है कॉम्पैक्ट ट्विन वन जो पहले यूज होता था वो अब यूज नहीं है तो बहुत अच्छे एलिगेंस बहुत अच्छे जो है फिक्सर्स भी आ गए हैं जो कि पाउडर फॉर्म में भी हैं और स्प्रे फॉर्म में भी है तो वो भी ड्यूरेशन को लॉन्ग करते हैं तो वो चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये है कि बेसिक चीज जो है आपकी जो फाउंडेशन है या स्टिक है वो आपको सबसे ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू वेदर ओके उससे जरा फर्क पड़ता है उससे बहुत फर्क पड़ता है अच्छा एक नाइला ये नोट किया आपने कि कभी जो है वो हमारे पास हेयर से पहले लोग होते थे अपने हाथों से ज्यादा बनाते थे लेकिन आजकल बहुत इजीएस्ट हो गया है एक्सटेंशन अच्छे से कुछ ना कुछ लोग है उसको पिन अप कर दिया और थोड़ा सा बना के एक्सटेंशन तो बहुत ज्यादा इन है ठीक है बहुत ज्यादा इन है कर्ल में भी आ जी कर्ल में भी आ रही है लेकिन मैं ये कहती हूँ मेरे पास आती है एक्सटेंशन ही लेके सब लोग आती हैं तो मैं ज्यादातर उसको 80% तो मैं रिजेक्ट कर देती हूँ उसको अच्छा क्योंकि देखो एक एक्सटेंशन का इतना ट्रेंड चल रहा है एक्सटेंशन को लेना लोगों को बाय करना नहीं आ रहा है एक तो बिल्कुल आउट मैच से लेकर आ जाते हैं हेयर पे और हर किसी के हेयर पे एक्सटेंशन नहीं सूट करती है ठीक है ना अब आपके माशाल्लाह से बालों में इतना वॉल्यूम है तो आपको एक्सटेंशन की क्या नीड है
आप इससे अच्छा बहुत लाइट सा क्रीम कर लें, क्रीम पर नहीं करें तो थोड़ा सा हल्का सा जब यूज किया जाए, जब अल्लाह ना करे आपके बाल बहुत पतले हो, बहुत लाइट बहुत वॉल्यूम हो, तो हमें उस टाइम पे एक्सटेंशन की नीड होती है, हमें जब एक्सटेंशन लाजमी लगानी पड़ती है, हमें वॉल्यूम देना पड़ता है जी। खुद ही इतने हैवी बाल है, जबरदस्ती कहती हूँ उस पर एक्सटेंशन लगा दो तो कैसे हम एडजस्ट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। हम वही बात आ गई ना कि क्लाइंट को हमारा काम है ना ब्रीफ करना, हमें कन्वे करना है ना उनको कि किस तरह आप पे सूट करेगा कैसा नहीं करेगा। अच्छा आप वो मुझे बताएं, कुछ लोग क्योंकि मैं चाहती हूँ क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट है तो उसमें टॉप टू बॉटम हेयर मेकअप सभी काउंट करते हैं, ये जो रिबाउंडिंग की जाती है जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे बताएं कुछ लोग करवाते हैं उसके बाद की जो बालों में प्रॉब्लम होती है उससे कैसे महफूज रहा जाए, ये सवाल तो दोनों से अस्मा का है और मैं भी आपको बताती हूँ कि मेरे पास तो ज्यादातर मुंह उठा के हर कोई आ जाती है, क्लाइंट कहती है कि रिबाउंडिंग करते हैं। रिबाउंडिंग का मकसद तो समझो कि डैमेज बाल है, कैसा बाल है, आपको रिबाउंड की जरूरत है या नहीं है, ठीक है ना। हमने अभी हमें करना पड़ता है हाँ, और इस टाइम पे अक्सर ज्यादातर 99% केराटिन बालों में चाहिए, हमें केराटिन शैम्पू भी हमें यूज करना चाहिए अपने बालों में, हमें केराटिन की नीड है हमें ज्यादातर। और रिबाउंडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं कि बालों में, चले शैम्पू तो बाजार से लेके केराटिन लेकिन अगर हम घर में, कुछ लोग पहले खवातीन होती दही अंडा ये होता था ना जी बिल्कुल, घर की कुछ बताए ना यार इस क्या इस्तेमाल करें कि हमारे बालों को केराटिन मिल जाए, क्या करें केराटिन मिल जाए। चले ये तो अस्मा का सवाल है, अस्मा के माशाल्लाह बार बार हाँ अस्मा बताओ यार, क्योंकि अस्मा हेयर एक्सपर्ट है माशाल्लाह से, हेयर एक्सपर्ट बहुत हैं, मैं भी इनसे थोड़ी सी नॉलेज लेती हूँ, अच्छी बात इस बारे में नॉलेज लेती हूँ, और आप लोगों ने मुझे आके बहुत कुछ सिखा दिया, सवाल सिखा दिए। बाल जो है डिमांडिंग होते हैं, डिमांडिंग देख कर ठीक है आपका बाल क्या डिमांड कर रहा है, डिमांड कर रहा है। जब हमारे पास कोई वर्जन हेयर के साथ आता है, उसका बाल कर्ल है और फ्रिजी है और वो चाहता है कि मैं अपने बालों को स्मूथ और स्ट्रेट कर लूं, तो देन हम उसको रिबाउंडिंग देंगे, ठीक है। एक बंदा हमारे पास आता है ट्रीटेड हेयर है और उसको कलर की वजह से या दूसरे ट्रीटमेंट्स लेने की वजह से फ्रिजनेस आई है, सही तो हम फिर केराटिन देंगे, ठीक है। तो ये काइंड्स ऑफ हेयर होता है जिसको देख के एक्सपर्ट ब्यूटिशियन डिसाइड करती है कि आपको कौन सा जो है ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे काम आ गए, जैसे आशी के मैंने रिलैक्सर किया था, मेरी क्लास थी हैदराबाद में तो वहाँ मैंने नायला भी हमारे साथ थी, वहाँ हमने इनके रिलैक्सर किया था। तो अब देखें बहुत सारी चीज़ें आ गई, एक्सटेंसो भी है, हम सिर्फ रिबॉन्डिंग पे नहीं रह गए, रिलैक्सर भी है, एक्सटेंसो है, और इसके अलावा अब केराटिन, केराटिन के साथ ही अब बहुत ज़्यादा जो बोटॉक्स है ये चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटीन्स हैं, ये बालों को देना बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपका बाल वीक है तो फिर वो जो है ना आपको इशू आते हैं, आप अपनी इंटरनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग ब्रेकफास्ट नहीं लेते, कहते हैं हमसे सुबह नहीं खाया जाता, जितना अच्छा आप ब्रेकफास्ट लेंगे आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए बड़ा बेनिफिट होता है। अच्छा एग है और न्यूट्रिशंस में ज़्यादातर अपनी जो क्लाइंट्स आती हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि आप इंटरनल जो है ना अपने आप को अच्छा करें, ओके तो आपका आउटपुट डेफिनेटली अच्छा होगा। अच्छा मैं इस वक्त जब मैं शो कर रही होती हूँ तो ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा एक इट्स मीन के जो लोगों को ये लोग ब्राइड्स बनाती हैं उनकी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ख्वातीन जो हैं वो अपने अंदर जो अपनी सेहत को इस तरह लुक आफ्टर नहीं करती, नहीं करती है। कि आज वो भी नायला बताएं कि अपनी सेहत को जो ब्यूटिशियंस हैं वो भी अपनी सेहत, क्योंकि यू आर इंस्ट्रक्टर तो जब आप खुद हेल्दी नहीं होंगे तो किस तरीके से आप दूसरों को ट्रीट करेंगे, खुद थकी हुई हैं और दूसरों को अच्छा करके दिखा रही हैं तो आप खुद भी तो अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है, आपकी अपनी इंटरनल ग्रूमिंग भी होनी चाहिए, एक्सटर्नल भी होनी चाहिए और इंटरनल आप बिल्कुल अंदर से जो है ना नरिशमेंट हो आपके साथ। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत एनर्जी एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो जो आप सुबह सुबह जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं वो आपका पूरे दिन कवर करता है, ब्रेकफास्ट हमें लाजमी लेना चाहिए। ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट नहीं लेते जिसकी वजह से उनको बहुत सारी डाइट पे जा रहे हैं ना ज्यादातर सब लोग। बात ये कि एक सवाल आपने किया था नायला से कि जो होम रेमेडीज में हम क्या यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा होम रेमेडीज में हम बहुत सारी हमारे पास हर्बल्स के जो चीजें हैं वो यूज कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा बहुत अच्छा है स्किन के लिए भी हेयर्स के लिए, ठीक है। नारियल का तेल बहुत अच्छा है, कोकोनट ऑयल आप ले लें और प्योर हनी,
ये तीन चीजों का आप जो है मिक्सचर बनाएं। एलोवेरा, एलोवेरा 2 टेबल स्पून, ओके, 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, ठीक है, और 2 टेबल स्पून ऑफ हनी, ओके, प्योर हनी, ठीक ठीक है। इसको मिक्स करें अच्छी तरह और इसको बहुत अच्छी तरह अपने बालों के तमाम रूट से लेके और लेंथ में बहुत अच्छी तरह अप्लाई करें। 2 घंटे लगा के रखें और उसको कोई भी शॉवर कैप से उसको कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप उसको वॉश करें। जब आप वॉश करेंगे तो कोई भी आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जिसमें कंडीशनर ना हो। जो ज़्यादातर लोग शैम्पू प्लस कंडीशनर यूज़ करते हैं वो उनके हेयर्स को हेयर फॉल शुरू कर देता है, क्योंकि हमारी रूट्स जो हैं उनके लिए कंडीशनर बहुत हार्मफुल है। अच्छा, वो हमें कभी यूज नहीं करना चाहिए। हमें अपने बालों को लेंथ में कंडीशनर देना चाहिए। मैंने सुना है कि लोग सिर्फ वो बालों पे लगाना चाहिए, जड़ों पे नहीं, रूट्स पे नहीं। जब वो उसमें यूज कर लिया जाता है तो वो फिर ऑफ कोर्स आपके स्कैल्प पर लग जाता है जब वो नहीं इसको जो हाँ बिल्कुल फिर वो जाता है नुकसान जी जी बिल्कुल। तो जब भी आप शैम्पू यूज़ करें तो कोशिश करें कि उसमें कंडीशनर ना हो, विदाउट कंडीशनर। और जब आपने कंडीशनर यूज़ करना है तो ओनली योर लेंथ अच्छा आपने यूज़ करना है। उसके साथ साथ आप जब भी अपने बालों में वॉश करना हो तो उससे पहले ऑयलिंग करें। अच्छा, ऑयलिंग के लिए सबसे अच्छा ऑलमंड ऑयल है, सबसे अच्छा बादाम का। हाँ, बादाम का तेल लें उसको अपने, तो स्किन के लिए भी बड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि कुदरत ने हमें हर चीज़ दी है, बस हम इससे दूर हैं, हम नहीं लेते। हम लोगों को पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम ज्यादातर केमिकल को बहुत फोकस करते हैं, बिल्कुल ठीक कि हम जाएं बना बनाए मार्केट से लें और हम यूज कर लें। पहले देखें लोग घर में क्या काम करते थे, कि घर में आप देखें उपटन भी बनता था तो घर में बनता था। जबरदस्त, बड़ी प्यारी मजे की बातें करती है। उपटन भी बनता था तो घर में बनता था। क्यों? हमारी जो नानियां दादियां थी वो इतनी एलिजिबल थी, वो इतने अच्छे काम करती थी कि वो क्या करती थी कि भाई देखें आप मसूर की दाल ले लें, आप चने की दाल ले लें, उसमें आप हल्दी मिला लें, उसमें आप नींबू मिला लें, उसमें आप मिल्क मिला के अगर लगा लें, चमेली का तेल से जो खुशबू होती है, अच्छा वो दुल्हन की एक महक अलहदा ही होती थी। अच्छा, अब क्या है, सर्विसेज के बाद दुल्हन के मेकअप होना है, अब आप लुपटन नहीं लगा सकते, उपटन से आपको एक नहीं आ जाएगी, तो अब देखें वो खुशबुएं खत्म हो गई हैं। आप देखें यकीन करें, सच कह रही मेरी बहन, कि जिस कमरे में दुल्हन को वो एक पर्दा लगा के बिठाया जाता था, एक हफ्ते तक उस उधर एक छोटा सा बिस्तर भी छोटा सा होता था, वो तकिया, वो पर्दा, पता नहीं वो क्यों पर्दे में रखते थे, मुझे समझ भी नहीं आई आज तक। और जो लड़कियां अक्सर क्या करो, छोड़ो नहीं छोड़ो, पर्दे के अंदर यूं करके बात करना, और बहनें आएंगी, नाश्ता किया नहीं किया, माँ पूछ, बाकी सब खातिन बैठी है, बड़ा उसमें पर्दे में बैठा था, वो चीजें चली गई हैं। हम लोग एक हफ्ते तक उस रूम से वो खुशबू आती थी हमारी बहन, अब असल में रेडीमेड चीजें सारी चल गई है ना, रेडीमेड टाइम नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा जो है ना मटेरियल हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए, अब हमारे पास टाइम नहीं है। सब कहते हैं अच्छा पहले एक एक हफ्ते दुल्हन छोड़ो फैशल करने, 3 दिन पहले भेज देते हैं फैशल करने के, जो उपटन की बात करें जी जी जी, कि शायद उससे रौनक आती है, उससे रौनक आती है, जो हम आप दुल्हन को वो बहुत ज्यादा इस पे प्रैंक बने, और वो है भी बड़े रेलिवेंट, बहुत रेलिवेंट है, वो इतना हम लोगों को प्रेजेंट है, और यार क्या खूबसूरत। वही बात है ना कि हम अंदर से इतने खूबसूरत नहीं है, हमने अपने ऊपर से लगा लिया मेकअप, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें इतना ग्लोइंग होना चाहिए कि हम मुंह धो के भी खूबसूरत लगे। सही, तो अच्छा अपनी स्किन को ऐसा रखें। ओके जी, हम ब्राइट की तरफ चलते हैं, आरसी की तरफ चलते हैं। आरसी जी, कितने सालों से आपने कहा, 6 साल से काम कर रही हूँ, 10 साल। तो 10 साल में अप डाउन क्या आया आपकी जिंदगी में? माशाल्लाह मेरे पास, मैं मिसेस फैरी प्रोडक्ट से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। नहीं, अप डाउन मैंने कह रहा, देखिए 10 साल में आपने जब स्टार्ट किया, ठीक है, मैं इसलिए नाज़रीन को जरा बताना चाह रही हूँ कि जब कोई काम करता है तो शुरू में सबने अप्रिशिएट किया, यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या कुछ लोगों ने कहा यार ये क्या काम कर रही हो, छोड़ो अपने बच्चे देखो, घर देखो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? बहुत ज्यादा जी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी? नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ, इन्होंने फौरन ही जहन में कुछ, हम असल में नहीं नहीं इट्स ओके, आपकी ये जो होती है ना, जो और नाज़रीन देख रहे हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम्स हमें भी आई हैं, आपको भी आई होंगी जी, बिल्कुल, घर वालों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, होता है, ज्यादा इतराज करते हैं, और अब वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बस सपोर्ट पसंद नहीं है बरा, लेकिन मेरा सभी मेरी एक आवाज पर आ जाती है, ये हैदराबाद से आई है, एक आवाज पर आई है, हैदराबाद से हूं जी, ये हैदराबाद से, उन्होंने तारुफ ही नहीं करवाया इन्होंने अपना, शायद आप जानती भी हैं मुझे,
शायद मैं जानती हूँ, मेरे मामू की बेटी नहीं क्या बताऊं तुम्हें, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाईफाई सैलून आई थी ना, आप लोग आए थे ना, अरे वहाँ पर वो मेरी टीचर है साजदा भी। चले अच्छा साजदा भी हम मिले हैं। गुड है, गुड है। नहीं अब टाइम जरा लॉन्ग मुझे तो फिर ध्यान में नहीं, लेकिन चले कोई बात नहीं। हमारे तो ये देखो हैदराबाद बनेल में इनको काफी टाइम से, काफी सालों से जानती हूं। कल आयो आ जायो कल। अच्छा अच्छा चले चले, बहुत प्यारा आपने मेकअप किया है और आप हैदराबाद से आए हो और बहुत खुशी हो रही है कि आप, ऑफ कोर्स इतनी दूर से आना बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ी बात। लेट्स सी आपकी मोहब्बत है, आपको वेलकम करती हूँ मैं। और आपने मेकओवर थोड़ा बहुत, मतलब क्या बोलती हूँ, बहुत प्यारा किया है और हेयर स्टाइल भी बड़ी मेहनत से बनाया है, तो हम इनकी प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, ठीक है आशी। और जी सनिया आप कहाँ तक पहुँचे, हो गया डन? दैट्स गुड, बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारा इन्होंने मेकअप किया है। अच्छा ये बताओ सनिया, ये जो अभी मुझे नायला ने बताया है कि आप आर्टिस्टिक मेकअप, ये कहाँ से क्रिएशन जहन में आई? अच्छा मैं ना मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखती थी, तो मुझे जो है ना अक्सर ये होता था कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं माइंड मेरा इस तरह का था कि बस मुझे कुछ आर्ट करना है, तो उस लिहाज से जो है ना फिर मैंने एक दफ़ा डिज़ाइन किया, मैंने कहा नहीं मैं मेकअप करूँगी, तो फिर मैंने उसको जब डिज़ाइन किया तो मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ और मेरे घर वाले भी बहुत डर गए कि इतना हॉरर सा शायद इसने जो है ना कुछ कर लिया है। तो फिर उसके बाद जो है काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया गया, हिम्मत बढ़ गई कि मैं कुछ कर सकती। हाँ फिर उसके बाद मुझे जो है ना इंटरेस्ट हुआ कि नहीं मैं अब वाकई कुछ कर सकती हूँ। तो मेरा पहला जो हुआ था, यानी कि जो मैंने अपना घर में डिज़ाइन किया था, तो उसके बाद मुझे ज़्यादा एहसास हुआ कि नहीं यार मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अच्छा आपने जो जो अपने आर्टिस्टिक जो भी आर्ट बनाया, इसे हम आर्टिस्टिक मेकअप भी कहते हैं, आप कुछ किसी से इंस्पायर भी हैं? एक होता ना कि यार ये मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये, और फिर आपने तो सर्च करना शुरू कर दिया होगा अब मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि सोशल मीडिया और गूगल और लॉट्स ऑफ वैरायटी जिसे कहते हैं, आपने कोई आपके लिए इंस्पिरेशन लगा आपको कि यार ये बंदा बहुत इसका काम बहुत ज़बरदस्त? मुझे जो है ना मैंने यानी कि एक बस मैं ज़्यादातर मूवी देखती थी, तो उसमें हाँ मूवी में हॉरर से आता है हॉलीवुड वगैरह आप अगर देखें तो इस उसमें जो है ना बैकग्राउंड पे अक्सर ये चीज़ें आती हैं ड्रोनी से और इस तरह से हॉरर मोड। तो आप अपनी इंस्पिरेशन खुद है, मैं ये कहूँगी कि आपने खुद क्रिएशन किया है, खुद क्रिएटिविटी प्रेजेंट की है, तो इसी तरह हम सनिया बहुत अच्छा लगा। अच्छा नायला से बात करूँ, नायला ये जो अभी हम लोग जैसे गुफ्तगु करें ब्यूटी से रिलेवेंट और आगे जो फील्ड में बची आनी है, तो क्या सब आप समझते हो यार ये कितना अच्छा सीख सकती है? मेरे ख्याल से सभी मैं समझती हूँ कि अभी छोटा सा बच्चा 5 साल का भी है ना, वो भी कोशिश करता है कि मैं सीखूँ उसको, तो ज़्यादातर बच्चों की ना सीखने की आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, माइंड बहुत ज़्यादा सीखने पे जा रहा है बच्चों का, बहुत ज़्यादा जा रहा है सीखने पे, और लड़कियाँ हर घर से लड़कियाँ आ रही हैं और यही कहती हैं कि मुझे सीखना है, कंप्लीट कोर्स करना है, मुझे कंप्लीट कोर्स करना। अच्छा कंप्लीट कोर्स पे ज़्यादा रुझान लड़कियों का मैंने देखा ही नहीं है, ज़्यादातर सब लोग मेकअप पर आकर डिस्कस करते हैं, अच्छा हमें मेकअप सीखना है, मेकअप के क्या चार्जेस हैं और मेकअप कौन सी ब्रांड पे सिखाएंगी, मेकअप कौन सा है कैसा है। तो ज़्यादातर मैंने जो देखी है ना लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा जो शौक लड़कियों के अंदर है ना ज़्यादातर मेकअप का है, किसी भी चीज़ का इतना नॉलेज नहीं जा रहा है जितना मेकअप में जा रहा है फोकस, बच्चों का जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हमारे अपने घर के खुद के बच्चे हैं, खुद ही मेकअप लेके बैठ जाते हैं, अपने आप इतना प्यारा मेकअप कर लेते हैं, इतने छोटे छोटे से 4 साल की भतीजी वो खुद ही अपना रोज़ डेली मेकअप करके बैठ जाती है, आती है मेरे सलोन में मुझे आईब्रोज बनवानी है, मुझे मेकअप करवाना है। तो मैं समझती हूँ कि हम जिस तरह हम काम कर रहे हैं, जो काम हम करेंगे ना बच्चा वही पिक करता है, फौरन कहता है कि हमें भी ये काम करना है। तो शौक़ हम खुद से बच्चों के अंदर पैदा कर रहे हैं, जिस तरह मोबाइल अगर हम चलाएंगे सारा दिन हाथ में लेके तो बच्चा भी कहेगा कि मोबाइल हम भी चलाएंगे, जब हमारी मम्मा चला रही है तो हम भी मोबाइल चलाएंगे, तो हम कैसे रोक सकते हैं बच्चे को भाई, पहले तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, फिर बच्चे पे हम जबर जोर कर सकते हैं ना, यही हिसाब मेकअप का भी है। अच्छा पार्लर में बात तो बच्चों से याद है, मेरी बती भांजी है तो मुझे हंसी आती, छोटी थी अब तो माशाल्लाह शादी होगी तो कर दे, मेरी बहन कहती चलो ना हम लोग, मैं कभी कभी अपनी सिस्टर के घर रुक जाती थी तो कहती चलो ना हम लोग कुछ फ्रूट्स सब्जी लेने, तो अब जैसे उसको खबर होती थी ना, अब एक बच्ची 4-5 साल की है वो क्या करेगी, क्या करती सबसे पहले क्या करती ज्वेलरी बॉक्स खोल रहा है और बड़ा अच्छा सा उसका एक खूबसूरत सा गोटे वाला दुपट्टा, फिर वो अच्छे से कपड़े पहनने, फिर लिपस्टिक। अब मेरी बहन मुझे देखना, अब ये देख तैयारी पकड़ दे किसकी, टीका लगा रही है मुझे हंस हंस के और बुंदे पहन रही है,
क्यूट लग रही थी वो, तो वो कहती है अब इसको देख के ना सस्ती मुझे फ्रूट मिलेगा, अब उसको पता ही नहीं मेरा मजाक उड़ रहा है। हाँ। तो अच्छा वो ना यूं करके थोड़ा गुस्से से देखे, उसके बाद फिर दोबारा मिरर के ऊपर लिपस्टिक लगा करके ना उसकी मासूमियत में देख रही थी। तो ये होता है कुछ बच्चे कुछ अंदर से ही ना पकाया था। जब उसने यू टीका पहना मैंने कहा बाजार जा रहे हम कहाँ जा रहे। आज मैंने आपका आई थिंक शी इज एक्सपेक्टिंग, तो वो भी वो है और माशाल्लाह अभी उनकी शादी भी हुई है, तो अभी वो सुनेंगे अगर मैंने उनको ये वीडियो भेजा तो कहेंगे आंटी आप तो मेरी पोल पट्टियां खोल रही हैं आपने ये क्या कर दिया। तो वो उसका एक खूबसूरत सा बचपना सबा का वो मैं कभी नहीं भूलती। उसका अभी तक जो है ना हम लोग रिकॉर्ड लगाते हैं कि कोई बच्चा होगा ना तो कोई बाजार जाने के लिए जो सबा की तरह तैयार हो जाए, तो ये मासूमियत होती है बच्चों की। सही बात है। उस वक्त तो सोशल मीडिया होते हैं बच्चे वाकई, और अभी कुछ बच्चों के वायरल भी हो रहा है वीडियो, वो बड़ी प्यारी सी जो कान छिदवार ये कान और वो एक एक मेरी शादी करवा दो छोटी छोटी सी बच्चियां कान कहती मेरे पापा मेरी शादी नहीं कर रहे थे वो क्यूट। अच्छा ये बच्चों की मैं कहती हूँ गॉड गिफ्टेड होते हैं ये, हम लोग बस कैमरा आ गया है बस जिसने ये इजाद किया तो हम लोग उनको थोड़ा सा उसमें सेव कर लेते हैं। तो बिल्कुल। फिर मुझे अपने भाई की बात याद आ गई यार इतनी तस्वीरें खींचते हो तुम लोग धुलती का इतनी मासूमियत जी। पुराने सादे लोग होते हैं ना सादी बात कर देते हैं, कहते हैं भाई ये तुम लोग इतनी तस्वीरें, हम लोग होते थे जाके प्रिंट आउट हुआ करके एल्बम प्रिंट आउट करवाते थे, कह रहे ये तुम लोग इतनी खींचते हो ये दुलती का है। मैंने अच्छा जी आप ज्यादातर ये तस्वीरें ना यूएसबी में जा रही हैं। ये हम लोग कंप्यूटर ये डेटा पूरा लैपटॉप पे चला जाता है, सब कुछ लैपटॉप पे। अभी हम काफी साल पुराना भी डेटा निकाल लेंगे ना लोग हैरान होते अरे इतना साल पुराना। और ये यादें होती हैं, खूबसूरत लम्हात होते हैं। और ब्यूटिशियंस हैं ऑफकोर्स अपने लिए तो टाइम नहीं निकालती हैं, लेकिन इनको कभी कभी ये हंसी मजाक के मूड हो जाते हैं ना तो अच्छा लगता है थोड़ा अच्छा लगता पीछे है। से एक बात कुछ याद आ जाए। लेट्स सी। अच्छा जी हम लोग बात करेंगे ऑफकोर्स शी इज़ अ इंस्ट्रक्टर और क्लासेस वगैरह, तो हम लोग बहुत जल्द एक अभी क्लास करने वाले पीपीआई की बहुत जल्द हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें बहुत सारी ब्यूटिशियंस और सीनियर इंस्ट्रक्टर स्टेज पे डेमोन्स्ट्रेट भी होगा और उसमें हेयर कलर भी है, हेयर कट भी है, ब्राइडल मेकओवर भी है और हेयर स्टाइल भी, तमाम चीज़ें कोशिश करेंगे हम लोग उसमें आप लोगों को एक अच्छे तरीके से बेहतरीन सीनियर इंस्ट्रक्टर से प्रेजेंट करवा सकें ताकि आप लोग भी और कुछ लोग लाहौर के एक बड़े नामी ग्रामी इंस्ट्रक्टर हैं, शायद नाम भी सुनो का जहन से निकल गया, वो जो जिनसे बात हो रही थी कुछ नाम अगर अर्श आपको जहन में हो तो प्लीज़ बताइएगा, जहन से निकल गया इंस्ट्रक्टर बड़े से हैं नाम मेरे जहन से एकदम निकल गया सॉरी। अच्छा लेट्स सी। हाँ हाँ क्या कैसर बलोच माय फेवरेट, बहुत जबरदस्त हेयर एक्सपर्ट, हेयर एक्सपर्ट बहुत जबरदस्त, तो वो है बहुत जबरदस्त। हमारी कोशिश ये है कि ऑफ कोर्स एक टाइम ड्यूरेशन हमारे साथ मर्च हो जाए क्योंकि उनके पास बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो इस्लामाबाद उनको तो जरूर लेकर आए कराची। अच्छा उनको तो जरूर लाए, ये जो सबके फेवरेट है सबके फेवरेट है, लेकिन वो ऑफ कोर्स उनको मुझे जब उस दिन बात हुई तो उनका हमारा एक दिन भी अगर हम लोग अपने सलून से स्किप करते हैं तो लाखों रुपए का हमारा लॉस हो जाता है, तो वो उनको फिर हम लोगों को प्रॉपर बुलवाना क्योंकि वो एक दिन नहीं होते मैक्सिमम, वो जब कराची आते हैं ट्रेवल करके तो तीन दिन कहीं नहीं गए, तो वो अपने हिसाब से फिर ये चीजों को मैनेज करना होगा। तो लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम डेट अनाउंस करें, तो आर यू रेडी, तो पीबीआई की जानिब से आ रही है आपके लिए जबरदस्त ब्यूटी वर्कशॉप एंड ब्यूटी क्लास। लेट्स सी, ये तो एक आपके साथ था नायला भी बैठी हुई थी तो जहन में आ गया तो मैंने कहा ब्यूटी सेगमेंट है तो हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेंगे, उसके बाद इनकी ब्राइडल प्रेजेंटेशन आप देखें और हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।